अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ भोपाली स्टाइल में दही फुलकियाँ। हमारे भोपाल की ये बहुत ही ख़ास डिश है और बहुत पसंद की जाती है और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसके लिए मैंने 2 कप मीठा दही लिया था, गाढ़ा सा दही, और उसके अंदर मैंने 3 कप पानी डाला है। इसकी कंसिस्टेंसी ना तो बहुत गाढ़ी हो ना बहुत पतली हो, क्योंकि जब हम इसमें फुलकियाँ डालेंगे तो ये पानी सोख लेती हैं तो दही सूख जाता है। तो आपको इतना पानी डालना है कि फुलकी डालने के बाद भी दही थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रहे। 1 कप और 1/4 कप, यानी 1 कप एंड 1/4 कप मैंने बेसन लिया है। 1 बड़ी प्याज ली है जिसको बारीक स्लाइस कर लेना है, और ये आप समझ लें 1/2 कप के करीब बारीक कटा हुआ कोथमीर है। 1 हरी मिर्च है, हरी मिर्च मैंने 1 ली है। आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से डालें, आपको जितनी पसंद हो। 1 टीस्पून फुल मैंने ज़ीरा लिया है और 1/2 टीस्पून नमक है। तो ये चीज़ें हम डालेंगे बेसन में, और बेसन में डालने के बाद आप नमक चेक कर लें आपको जितना रखना हो, और फिर हम तलेंगे इसके भजिए यानी इसके पकौड़े बनाएंगे। ये 1/4 टीस्पून है लहसुन का पेस्ट, और 1/2 टीस्पून नमक है, और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। ये हम डालेंगे अभी दही में और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा बघार है जो कि हम बिल्कुल लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून फुल ज़ीरा लिया है, और 10 से 12 पत्तियां हैं, करी पत्ता है ये, और ये 2 सूखी लाल मिर्च ली हैं। तो ये हम बिल्कुल लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम दही में ये तीनों चीज़ें मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये तीनों चीज़ें हम दही में डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें नमक भी चेक कर लीजिएगा ये डालने के बाद कि आपको दही में कितना नमक रखना है। बहुत ज़्यादा नमक मत रखिएगा, क्योंकि जब हम इसमें फुलकियाँ डालेंगे तो ये दही कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो कि नमक तेज़ हो जाए। तो आप उसी हिसाब से इसमें नमक रखिएगा। अब ये बेसन जो था इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको गाढ़ा सा घोल के रखा है, तैयार करके रखा है। इसको मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि इसको भिगोना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बेसन को थोड़ी देर के लिए रख दें घोल कर, तो ये इसके जो पकोड़े बनते हैं बहुत सॉफ़्ट बनते हैं। और अक्सर नहीं तो ये होता है कि आप जब फ़ौरन ही इसको बनाना शुरू कर दें तो ये थोड़े से हार्ड जाते हैं कभी कभी। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ये बहुत अच्छी तरह से भीग जाएगा। जैसे हम आटा रख देते हैं गूंदने के बाद, तो आप इसी तरह बेसन भी रख दें। जब ये आधे घंटे के बाद फिर हम इसमें ये जो हमने सामान लिया था मसाला, ये हम इसमें मिलाएंगे। आधा घंटा हो गया इसको भीगे हुए, और अब हम इसमें ये जो हमने चीज़ें ली थी ये हम सब इसमें मिला देते हैं। सारी चीज़ें मिक्स कर लें अच्छी तरह। ये इसको मैंने अच्छी तरह से घोल के तैयार कर लिया। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, क्योंकि फिर इसके पकोड़े जो हैं वो बहुत सख्त बनते हैं, सॉफ्ट नहीं बनते। तो इसमें आप थोड़ा सा मीडियम उसकी आप कंसिस्टेंसी रखिएगा। और अब हम इसके पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। तेल गर्म हो गया, आप चाहें तो इसको स्पून से डाल लें, मैं इसको हाथ से डालती हूँ, मुझे स्पून से आदत नहीं है डालने की, तो मेरा अंदाज़ा हाथ से है। तो इस तरह आप छोटे छोटे पकोड़े बना के इसमें डाल दें। ये फुलकियाँ तल के तैयार हो गई, और इसको अब हम डायरेक्ट जो हमने दही तैयार करके रखा है ये दही में हम इसको डाल देंगे। ये मैंने सारी फुलकियाँ बनाकर दही में डाल दी, और अब हम इसके ऊपर से बघार लगाएंगे। बघार के लिए मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ज़ीरा। ये लाल मिर्च भी डाल दें इसमें। इसकी फ्लेम ऑफ कर दें, और अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। और ये लीजिए हमारी दही फुलकियाँ बिल्कुल तैयार हैं। बहुत जल्दी बन जाती हैं और बहुत मज़ेदार लगती हैं ये। और आप इसको बनाने के बाद 1 घंटे के बाद इसको आप सर्व कीजिएगा, तो ये जो फुलकियाँ हैं ये 1 घंटे में सॉफ्ट हो जाएंगी दही में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।